शायराना अंदाज, हाथ में LLB की डिग्री, राजनीति का ज्ञान और तेज दिमाग। सोचिए मत, यहाँ हम बात कर रहे हैं कद्दावर नेता अमर सिंह की, जिनकी चर्चा हर तरफ रहती है। कभी वो संसद में कुछ हंगामा करते हुए नजर आते हैं, तो कभी उनकी अफेयर की खबरें सामने आती है। तो आइए हम आपको ले चलते हैं अमर सिंह की जिंदगी की ओर। 27 जनवरी 1956 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में अमर सिंह को हरीशचंद्र सिंह की पत्नी शैल कुमारी सिंह ने जन्म दिया। अमर सिंह ने कोलकाता के सेंट जेवियर्स कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लॉ से BA LLB की पढ़ाई की है। मूल रूप से आजमगढ़ के कारोबारी परिवार में जन्मे अमर सिंह का बचपन और युवावस्था के दिन कोलकाता में बीते थे, जहां वे बिड़ला परिवार के संपर्क में आए और के बिड़ला का भरोसा हासिल करने के बाद दिल्ली पहुंच गए। बिड़ला और भारतीय परिवार की नज़दीकियों के चलते एक समय में अमर सिंह हिंदुस्तान टाइम्स के निदेशक मंडल में भी रहे। ये भी कहा जाता है कि अमर सिंह मीडिया का उपयोग करना बखूबी जानते हैं। उस समय माधुराव सिंधिया ने मध्य प्रदेश के कोटे से अमर सिंह को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सदस्य बनाया था। गठबंधन सरकारों के दौर में मार्क्सवादी नेता हरकिशन सिंह सुरजीत से भी अमर सिंह के घनिष्ठ संबंध रहे थे। मुलायम सिंह यादव और अमर सिंह पर काफ़ी भरोसा था और लंबे समय से राजनीति से जुड़े लोगों की माने तो मुलायम सिंह के पहले 1985 से 1988 के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। वीर बहादुर सिंह से भी अमर सिंह की काफ़ी घनिष्ठता रही और जब जब वीर बहादुर सिंह नोएडा के सिंचाई विभाग गेस्ट हाउस आते थे, अमर सिंह वहीं पाए जाते थे और कई लोग उन्हें रिलायंस मैन के तौर पर भी देखते रहे हैं। इसे अमर सिंह की कमजोरी कहें या शौक, उन्हें ग्लैमर में बने रहना काफ़ी पसंद है। किसी न किसी वजह से वो चर्चा में बने रहते हैं। राजनीति हो, फिल्म जगत हो या मीडिया, अमर सिंह हर फील्ड में अपना वर्चस्व बनाए हुए हैं। और शायद कुछ ऐसी बातें हैं जिनके डर से अमर सिंह के ये कहने पर कि मेरा मुंह मत खुलवाओ वरना कोई नहीं बचेगा से सब वाकई में चुप भी हो जाते हैं। अमर सिंह परिस्थितियों को भांपने में माहिर माने जाते हैं और समय आने पर लीक से हटकर किसी के लिए भी खड़े होने को तैयार रहते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अमिताभ बच्चन। जब अमिताभ बच्चन की ABCL कंपनी कर्जे में डूब गई थी और अपने करियर के सबसे मुश्किल दौर से भी गुजर रहे थे और कोई उनकी मदद के लिए तैयार नहीं था, तब ये अमर सिंह ही थे जो कथित तौर पर 10 करोड़ की मदद के साथ अमिताभ के साथ खड़े नजर आए थे। अमर सिंह के बारे में ये बातें भी कही जाती है कि जिस भी परिवार से उनके घनिष्ठ संबंध रहे, कभी न कभी वो परिवार टूटा ही है, जिसमें बच्चन परिवार और अंबानी भाइयों का नाम शामिल है। हालांकि ये महज एक किस्सा है। अपने बयानों को लेकर अक्सर विवाद में रहने वाले राज्यसभा सदस्य अमर सिंह ने राज्यसभा की सदस्य और बॉलीवुड अभिनेत्री जया बच्चन पर भी निशाना साधा है, जिसमें उन्होंने जया बच्चन के साथ साथ उनके पति अमिताभ बच्चन, बेटे अभिषेक बच्चन और बहू ऐश्वर्या राय बच्चन पर भी तंज कसा है। उनका ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे थे कि एक अजीब माहौल है देश में। अपने वीडियो में आगे उन्होंने कहा कि कल राज्यसभा में मेरी पुरानी साथी, जो अब साथी नहीं है, महिलाओं के बारे में बड़ी पीड़ा से बोल रही थी। कह रही थी कि तकनीकी आंदोलन को आप नहीं रोक सकते हैं। पोर्नोग्राफी या चलचित्रों के गंदे परिदृश्य अगर आप TV में देखते हैं तो रिमोट आपके हाथ में है, रिमोट दबा दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि मेरी बेटी भी है। अमर सिंह ने आगे कहा कि कम से कम आप माँ हैं, पत्नी हैं, और माँ और पत्नी के हाथ में सामाजिक रिमोट होता है। आप अपने पति से क्यों नहीं कहती कि जुम्मा चुम्मा दे दे ना करें।
आप अपने पति को क्यों नहीं कहती कि बारिश में भीगती नायिका के साथ आज रपट जाएं तो हमें ना भुलाइयो ना करें। अमर सिंह और ऐश्वर्या के बारे में भी कई अफवाहें सुनने में आई थी। ये तक कहा गया था कि दोनों के बीच अफेयर है, लेकिन बाद में ये सारी बातें महज अफवाहें निकली। कभी धरती पुत्र कहे जाने वाले मुलायम सिंह और किसानों और पिछड़ों की पार्टी समाजवादी पार्टी को आधुनिक और चमक दमक वाली राजनीतिक पार्टी में तब्दील करने वाले अमर सिंह ही थे। चाहे वो जया प्रदा को सांसद बनाना हो, या फिर जया बच्चन को राज्यसभा मिलाना हो, या फिर संजय दत्त को पार्टी में शामिल करवाना हो, या उत्तर प्रदेश के लिए शीर्ष कारोबारियों को एक मंच पर लाना हो, ये सब अमर सिंह का ही करिश्मा था। संसद में गड्डी लहराना हो या बिपाशा बसु के नाम से बात की गई ऑडियो टेप का वायरल होना हो, मुलायम से नज़दीकी वजह से राजनेताओं का पार्टी छोड़कर जाना हो, इन सब के पीछे जो शख्स है वो है अमर सिंह। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.